हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज दो अध्याय, अध्याय 15 स्वास्थ्य और अध्याय 16 आपका सामाजिक सेवाएं। आज का ये वीडियो जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का जो सीरीज चल रहा था उसका ये आखिरी वीडियो है। टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, 16 के 16 चैप्टर आज के इस वीडियो में, इस लास्ट वीडियो के साथ वो पूरा का पूरा सीरीज आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको ये इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी डाटा बताए गए हैं उसमें कुछ अपडेशन करने हैं, कुछ नई रिपोर्ट्स आई है, कुछ नए डाटा मुझे मिले हैं उसे आपको अपडेट कराना है, उसमें एक अपडेशन वाला वीडियो अलग से आएगा। लेकिन ये जो सीरीज वाला वीडियो है वो आज यहीं पर एंड होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 15 जो है आपका स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य में पहले नंबर पर है आपका नेशनल हेल्थ इंडेक्स जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग दो तरीके से आई है। देखिए, एक है आपका ओवरऑल रैंकिंग, दूसरा है इंक्रीमेंटल रैंकिंग। 21 बड़े राज्यों की, देखिए ये जो नेशनल हेल्थ इंडेक्स है इसमें 21 बड़े राज्य, आपके 8 छोटे राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची जारी की गई थी स्वास्थ्य के मामले पर। देखिए इसमें अलग अलग पैमानों के आधार पर राज्यों की एक लिस्ट, एक रैंक तैयार किया गया। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नेशनल हेल्थ इंडेक्स में आपके ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 13वें स्थान पर है जबकि इंक्रीमेंटल रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में 13वें स्थान पर जबकि इंक्रीमेंटल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है। ये ओवरऑल और इंक्रीमेंटल है क्या, देखिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो आपका करंट अफेयर का एक वीडियो आया था उसमें हमने पहले भी पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, उसमें कौन से राज्य की क्या स्थिति थी वो सारे चीज मैंने आपको करंट अफेयर के वीडियो में बता दिया है। यहाँ जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है केवल वही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ओवरऑल रैंकिंग यानी स्वास्थ्य के मामले पे, स्वास्थ्य के स्तर के मामले में 21 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 13वें स्थान पर है। स्वास्थ्य के स्तर के मामले में 21 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो 13वें स्थान पर है। इंक्रीमेंटल रैंकिंग यानी पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ ने अपने जो अपने राज्य में, अपने प्रदेश में स्वास्थ्य के स्तर सुधार में, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए किस प्रकार के विकासात्मक कार्य किए उसके आधार पर, मतलब इंक्रीमेंटल मतलब स्वास्थ्य के सुधार के दृष्टिकोण से जो रैंकिंग आई है। ठीक, तो इंक्रीमेंटल रैंकिंग में जो छत्तीसगढ़ है वो आपके 11वें स्थान पर है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका शिशु मृत्यु दर। ये शिशु मृत्यु दर क्या होता है पहले आपको बता चुका हूं, मतलब जो प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या। तो ये जो आपका नेशनल हेल्थ इंडेक्स आया है उसमें जो ये शिशु मृत्यु दर है उसे, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नवजात आपका मृत्यु दर और दूसरा है आपका 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के शिशु मृत्यु दर। नवजात शिशु किसने कहा जाता है, जिनका जन्म अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ऐसे बच्चे जिनको जन्म हुए कुछ दिन ही हुए हैं। ठीक है, कुछ दिन ही हुए हैं जिन बच्चों को जन्म हुए तो उन्हें कहा जाता है नवजात, 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग। देखिए समझिएगा, तो ये जो नवजात शिशु मृत्यु दर है जिन बच्चों का जन्म अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, नवजात कुछ महीने के या कुछ दिन के जो बच्चे हैं उन्हें नवजात कहा जाता है। देखिए तो ये जो नवजात मृत्यु दर है या जो आपका नवजात शिशु मृत्यु दर है वो है हमारे छत्तीसगढ़ में 26 प्रति हजार, जबकि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग, 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें ये मृत्यु का मेन कारण रहता है आपका कुपोषण। ठीक, कुपोषण से रिलेटेड हमारे प्रदेश में बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको करंट अफेयर में कवर कराते जा रहा हूँ डेट वाइज। ठीक है, तो आप उसको वहाँ कवर करते चलिए, यहाँ आपको आंकड़े बता रहा हूँ समझिएगा। ये जो 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें मृत्यु का मेन कारण रहता है कुपोषण, तो इसलिए दो आपके इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है नवजात, दूसरा है आपका 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग। तो जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो है हमारे छत्तीसगढ़ में 26 प्रति हजार, जबकि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग में जो शिशु मृत्यु दर है वो है आपका 49 यानी 49/1000, 49 प्रति हजार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एस आर एस रिपोर्ट यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। देखिए ये जो रिपोर्ट है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक पब्लिश हुआ है वो, और जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो, दोनों में आपको ये आंकड़े अपडेट करना है। वैसे जो इससे पहले जो करंट अफेयर का वीडियो आया था उसमें मैंने ये आंकड़े आपको अपडेट कराया है काफ़ी डिटेल में, जो हमारा नेक्स्ट आपका अपडेशन वाला वीडियो आएगा उसमें भी मैं आपको ये डाटा अपडेट कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको भी अपडेट करते हुए
चलिए, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो बुक में दिया हुआ जो डाटा है वो काफ़ी पुराना है। अभी आपका ये डाटा आपका नवंबर में ही आया है, इसे अपडेट कीजिएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2015-17, दो साल की स्थिति बताती है। 2015 से लेकर 2017 तक की स्थिति में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, देखिए मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या, यानी बच्चों को जन्म देते समय जो माताओं की मृत्यु होती है तो वही होता है। देखिए प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में काउंट होता है, मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख में काउंट होता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो मातृत्व मृत्यु दर है वो है आपका 141 प्रति लाख। देखिए पिछले बार की जो रिपोर्ट आई थी आपकी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, उसमें 173 प्रति लाख था। जो अभी हाल फिलहाल में आपका जो नवंबर में जो रिपोर्ट आया है इसी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, उसमें ये आंकड़े कम हुए हैं। मातृत्व मृत्यु दर की स्थिति में सुधार हुआ है, 173 प्रति लाख से घट करके 141 प्रति लाख हुआ है, ठीक, इसे अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास योजना। देखिए महिला एवं बाल विकास योजना पहले नंबर पर है आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये प्रारंभ हुआ आपका 2005-06 वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई हमारे प्रदेश में। देखिए इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थी कौन होंगे, बीपीएल मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार, तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी परिवार है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र कौन होंगे, समझिएगा इस योजना के लिए पात्र कौन होंगे, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की दो कन्याएं या दो बालिकाएं। देखिए बीपीएल या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी परिवार है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनके उस परिवार की दो कन्याओं का, देखिए मैक्सिमम दो कन्याओं का विवाह इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हो सकता है, या इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत सहायता कैसे प्रदान की जाती है, इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, सहायता राशि प्रदान की जाती है आपका 25,000 रुपये। इकोनॉमिक सर्वे के बुक में ये 15,000 रुपये दिया हुआ है, लेकिन बजट 2019-20 इस साल जो प्रदेश का बजट आया था, बजट 2019-20 इसमें जो राशि है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 25,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नेक्स्ट है आपका वजन त्यौहार। वजन त्यौहार जिसका आयोजन हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 से किया जा रहा है, वर्ष 2012 से हमारे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों में कुपोषण के स्तर को जांच करने के लिए इस वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। देखिए ये जो है वजन त्यौहार के आयोजन में आपके 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हमारे प्रदेश में अभी 2019 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में जो कुपोषण दर है वो है आपका 37.6%, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बुक में दिया हुआ है आपका 2017 के डाटा, ये आपके 2018-19 के डाटा है, प्रदेश में कुपोषण दर है आपका 37.6%, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवा बिहान योजना। नवा बिहान योजना क्या है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। नवा बिहान योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, आवासीय सहायता, उनको रोजगार सहायता, एक महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है उसे हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए योजना लाया गया है, नवा बिहान योजना। प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, नवा बिहान योजना का संबंध है ग्रामीण स्वरोजगार से, शहरी स्वरोजगार से, महिला सुरक्षा से, तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से उसमें महिला सुरक्षा ऑप्शन लिया गया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तो यहाँ आपका अध्याय 15 होता है खत्म। कुछ और भी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं हैं जो आपके प्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वीडियो है ये प्री को टारगेट करके करते हुए है। जो पीडीएफ है उसमें मैंने कुछ और योजनाएं ऐड की है लेकिन वो आपको मेंस में काम आएगी, अभी ये प्री में काम नहीं आएगी, ठीक। देखिए अब यहाँ से है आपका जो अध्याय 16 सामाजिक सहायता, ये आपका आखिरी अध्याय है, अध्याय 16 सामाजिक सहायता। देखिए मैंने ऊपर में लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस मेरे पास रहता नहीं है करके, ये है आपका अध्याय 16 सामाजिक सहायता। ये जो जितनी भी ये योजनाएं इसमें दी गई है ये योजनाएं आपका
सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत शामिल है। देखिए अध्याय 16 सामाजिक सहायता योजना, योजना में कौन कौन लाभार्थी होंगे, उन लाभार्थियों की क्या पात्रता होनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ये निःशक्त जन यानी जो दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं, निःशक्त जन और बौने व्यक्तियों के लिए लाया गया है। इसमें समझिएगा ये सब पात्र कौन होंगे, पात्र देखिए निःशक्त जन और बौने व्यक्ति दोनों के लिए एक क्राइटेरिया है। पहली बात तो ये जो आपके अगर देखिए वयस्क और अवयस्क दोनों कैटेगरी होती है। वयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो वयस्क के अंतर्गत काउंट होते हैं और ऐसे जो 18 वर्ष से जो कम है वो आपके अवयस्क के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो समझिएगा इस योजना का लाभ निःशक्त जन और बौने व्यक्ति दोनों को मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, जो आपका 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु वर्ग है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे जो अध्ययनरत हो यानी जो पढ़ाई जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त जन और बौने व्यक्ति जो अध्ययनरत यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा और 18 वर्ष की आयु के बाद जितने भी निःशक्त जन हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए क्राइटेरिया क्या है, शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहती है सरकार, इसीलिए ऐसे निःशक्त जन और बौने व्यक्ति जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं यदि वह अध्ययनरत है यानी पढ़ाई कर रहे हैं तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरे कंडीशन में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति उसके अंतर्गत फिर शिक्षा उसमें मायने नहीं रखती, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का फिर लाभ ले सकता है। ठीक, इसके अंतर्गत सहायता क्या प्रदान किया जाता है, इसमें 350 रुपए प्रति माह कौन देता है, राज्य सरकार, यह है राज्य सरकार की योजना है। ठीक, 350 रुपए प्रति माह प्रदान करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। नेक्स्ट है आपकी सुखद सहारा योजना, यह भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, विधवा तथा परित्यक्त महिला, विधवा महिला यानी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, परित्यक्त महिला यानी शादी के पश्चात उस महिला को उसके पति ने छोड़ के चले गया है। ठीक, शादी के पश्चात उस महिला के पति ने उसे छोड़ दिया है वो कहलाती है आपकी परित्यक्त महिला। देखिए अब समझिएगा तो ये जो आपके विधवा और परित्यक्त महिला को इस योजना के अंतर्गत शामिल तो किया गया है लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला, यहाँ पे जो फंसता है अधिकतर एक स्टूडेंट जो फंसता है वो इसके एज लिमिट में फंसता है और क्वेश्चन में यदि घुमाना हुआ तो इसके एज लिमिट में ही घुमाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट ये जो पात्रता वाली जो आपका एक कॉलम बनाया हूँ उसको ध्यान से समझते चलिएगा कि उसमें लिखा क्या है, ऐसा नहीं कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कोई भी महिला, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। ठीक, और अगर हम परित्यक्त महिला की कंडीशन बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की परित्यक्त महिला, देखिए विधवा महिला जिनकी आयु 18 से 39 वर्ष है तथा परित्यक्त महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रति माह यह राज्य सरकार प्रदान करेगी। ठीक, यह भी राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, यह योजना प्रारंभ किया गया था आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 से, वित्तीय वर्ष 2018-19 से यह योजना प्रारंभ किया गया था। समझिएगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत आपके 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा एवं परित्यक्त महिला, देखिए ये जो योजना है यह भी आपकी राज्य सरकार की योजना है। इस मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा एवं परित्यक्त महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर, देखिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर यानी उस सूची में जिनका नाम होगा, उस सूची में जिन भी आपके वरिष्ठ नागरिक का या जिन विधवा और परित्यक्त महिला का नाम होगा उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत भी आपका 350 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। अब समझिएगा जब आपके लिए सुखद सहारा योजना में जब विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को जब शामिल किया गया तो बाद में ये मुख्यमंत्री पेंशन योजना में फिर से इस योजना को अलग से लाने का मतलब क्या है,
समझिएगा, ये जो आपका ये जो विधवा एवं परित्यक्त महिला है और ये जो आपका सुखद सहारा योजना है, देखिए इसको लाने का कारण मेन है आपका ये जो सर्वे सूची। बहुत सी जो महिलाएं हैं जब जो बहुत से आपके वृद्ध व्यक्ति हैं, अभी आप आगे और देखेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना है का काफ़ी और योजना है जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू है। वृद्धों के लिए और महिलाओं के लिए एक से अधिक योजना लाने का कारण क्या है? उसका कारण रहता है मेन पात्रता क्राइटेरिया। कई विधवा एवं परित्यक्त महिला या कई वृद्धजन एक योजना के आपके जो सर क्राइटेरिया रहता है, जो उसकी पात्रता रहते हैं, उसमें वो शामिल नहीं हो पाते। जैसे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची के आधार पर बहुत से विधवा एवं परित्यक्त महिला या बहुत से वृद्धजनों की इस सूची में उनके नाम नहीं रहते, तो जिस कारण से और भी कई योजना जैसे आपकी सुखद सहारा योजना लाया गया है उसके अंतर्गत भी विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को शामिल किया गया है। लेकिन एक क्राइटेरिया हमेशा रहता है कि आप अगर किसी एक योजना का, अगर कोई व्यक्ति एक योजना का लाभ ले रहा है तो उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अगर किसी और योजनाओं के अंतर्गत वो व्यक्ति शामिल नहीं है तभी उसे एक योजना का लाभ मिलेगा। यानी अगर वो किसी और योजना के अंतर्गत पेंशन ले रहा है तो उसे दूसरी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो देखिए 350 रुपये प्रतिमा। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये आपकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये जो मुख्य ये जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है ये 1 अक्टूबर 1995 से लागू है। इसमें क्राइटेरिया क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले आपके वृद्धजन। ठीक, इसमें पेंशन किस प्रकार से मिलेगा? 18 से लेकर के आपका 79 यानी 79, ठीक 79 ठीक है 79, तो 60 से लेकर के 79 आयु वर्ग के वृद्धजनों को 350 रुपये प्रति माह, और ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें 650 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 60-79 एज ग्रुप वालों को आपका 350 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, जबकि 80 ईयर प्लस यानी आपके 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो आपके वृद्ध है जो बुजुर्ग है उन्हें आपका 650 रुपये यानी 650 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ठीक, तो ये जो है ये जो आपकी केंद्र सरकार की योजना है लेकिन इसमें आपका राज्यांश भी रहता है। देखिए 150 रुपये प्रति माह, यानी ये जो 350 रुपये है उस 350 रुपये में से 200 रुपये केंद्र सरकार देगी, 150 रुपये राज्य सरकार देगी। ये जो आपका 650 रुपये है उस 650 रुपये में से 650 रुपये में से आपका 500 रुपये आपका केंद्र सरकार देगी, 150 रुपये आपका राज्य सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए यह योजना प्रारंभ हुआ है आपका फरवरी 2009 से। इस योजना के अंतर्गत आपका 40 से लेकर के 79 यानी 79, ठीक 40 से लेकर के 79 यानी 14-79 एज ग्रुप की विधवा महिलाएं, ठीक देखिए 40 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें शामिल किया गया है। इस योजना में 350 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 300 रुपये केंद्र सरकार प्रदान करेगी जबकि 50 रुपये आपकी राज्य सरकार प्रदान करेगी। समझिएगा, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक योजना जब हमारे हमारे प्रदेश में चल रही है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जब एक योजना विधवा महिला के लिए चल रही है तो दूसरा योजना प्रदेश में लाने की जरूरत क्यों है? उसका मेन कारण रहता है इसका क्राइटेरिया, जो उसका पात्रता के लिए जो उसकी क्राइटेरिया रहती है उसके कारण यह योजना लाई जाती है। जैसे समझिएगा सुखद सहारा योजना, जैसे आपकी जो आपकी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है इसके अंतर्गत, ये देखिए ये कब से चालू है आपका फरवरी 2009 से चालू है। इसके अंतर्गत क्राइटेरिया क्या है? 40 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग यानी 40-79 एज ग्रुप की महिलाओं को इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन कुछ महिलाएं जिनके पति की मृत्यु 40 वर्ष से पहले हो गई है, यानी 40 वर्ष से पहले यदि वह महिला आपकी विधवा हो गई है तो उसे किस प्रकार से सहायता प्रदान किया जाएगा? तो इसी के लिए लाया गया था आपका सुखद सहारा योजना, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर के 39 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। 18 से लेकर 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है तो 39 और 40 वर्ष के पश्चात उन्हें इस सुखद सहारा योजना से उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत। ठीक, तो देखिए यही है इसका एज ग्रुप 40 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग, जिसमें 350 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें केंद्र का अंश यानी केंद्र सरकार 300 रुपये प्रदान करेगी जबकि राज्य सरकार 50 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन
वृक्षारोपण करने वाले गंभीर एवं बहुनिषिक्तजन, गंभीर और बहुनिषिक्तजन मतलब ऐसे विकलांग जिनका जो शरीर का कोई एक अंग परमानेंटली डैमेज हो गया है, यानी पैर अगर बाय चांस किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके पैर को काटना पड़ गया, वो कहलाता है आपका गंभीर या बहुनिषिक्तजन। ठीक, या जन्म से ही कोई एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं है तो वो कहलाते हैं आपका गंभीर या बहुनिषिक्तजन के अंतर्गत। तो ऐसे निःशक्तजनों को इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 18 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग, ठीक 79, देखिए हिंदी वर्डिंग पर मत जाइएगा, ये नंबर के जो हिंदी वर्डिंग है उसमें अभी कंफ्यूज रहता हूँ, 79-80 आई थिंक ऐसा होना चाहिए, 18 to 79, अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ और जो बोर्ड पे लिखा है उसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है हिंदी में जो 79 और 89 उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं हमेशा इस चीज को लेकर कंफ्यूज में रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए 18 वर्ष, और इसको लेकर नीचे कमेंट मत कीजिएगा कि इसको ये बोलते हैं तो उसको वो बोलते हैं, समझ गए होंगे जो चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को सही मानते हुए चलिए। ठीक, 18 to 79 एज ग्रुप के लोगों को आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निःशक्तजनों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 300 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 200 रुपये, यानी केंद्र सरकार का अंश रहेगा 300 रुपये जबकि राज्य सरकार का अंश रहेगा 200 रुपये, टोटल 500 रुपये प्रतिमाह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के, देखिए बीपीएल श्रेणी के यदि कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है, अगर कमाऊ मुखिया की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ऐसा कमाऊ व्यक्ति या ऐसा कमाऊ मुखिया जिसकी आय के ऊपर या जिसकी सैलरी के ऊपर पूरा का पूरा परिवार निर्भर रहता था, जिसके ऊपर पूरा का पूरा परिवार निर्भर रहता था उसके आमदनी के ऊपर, तो ऐसे परिवार के कमाऊ मुखिया की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन पे उसका वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। वारिस मुखिया मतलब उसके बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर आएगी उस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने की दशा में उस परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो मृतक की जो आयु मृतक दिनांक है, आयु मृतक दिनांक यानी जिस तिथि में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के बीच में होना चाहिए, यानी जो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है यानी जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र की जो तारीख है यानी उसका जो मृत्यु का दिनांक है, उस दिनांक के समय उस व्यक्ति की जो आयु है वो आपके 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के बीच का वो व्यक्ति है, तभी उस योजना का उस लाभ इनके परिवार को मिलेगा। समझिएगा, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, लेकिन कितनी आर्थिक सहायता, 20,000 रुपए एक मुश्त, 20,000 रुपये एक मुश्त, यानी एक बार में उसके परिवार के जो उसका वारिस मुखिया रहेगा उसे एक बार में 20,000 रुपये प्रदान कर दिया जाएगा, यानी एक मुश्त, ठीक मंथली नहीं है, एक बार में उन्हें 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी अगर उसके घर के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो गई है तो। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो कि केंद्र स्तर पर यह प्रारंभ हुआ है आपका 2009-10 वित्तीय वर्ष 2009-10 से ये केंद्र स्तर पर लागू है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ है आपके 2015-16 से। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र को, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु यह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाया गया। ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, यहां पे जनजाति की बात नहीं की जा रही है, यहां पे एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक, प्रश्न यहाँ पे घुमा सकता है अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है, ध्यान दीजिएगा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक गांव का चयन किया जाएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक, देखिए तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 50% ऐसे गांव या ऐसा क्षेत्र जहाँ की आबादी 50% से अधिक आपके अनुसूचित जाति वर्ग है, उस क्षेत्र में जो आबादी है उसकी आबादी आदिवासी जाति, जो आपके अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है अनुसूचित जाति वर्ग वहाँ पे 50% से अधिक हो। ठीक, 50% से अधिक अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कुल जनसंख्या का
50% से अधिक आबादी आपके शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आना चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश से 175 ग्राम का चयन हुआ है, 175 ग्राम का चयन हुआ है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसमें बलौदा बाजार के 40 गांव, मुंगेली के 40 गांव, बिलासपुर के 35 गांव, बेमेतरा के 30 गांव और जांजगीर चापा के 30 गांव, ये टोटल 175 ग्रामों का चयन हुआ है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसमें बलौदा बाजार के 40 गांव, मुंगेली के 40 गांव, बिलासपुर के आपके 35 गांव और बेमेतरा और जांजगीर चापा के 30-30 गांवों को शामिल किया गया है। ठीक, तो देखिए, तो जितनी भी चीज़ें बताई है मैंने, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्री में आजकल इससे प्रश्न कम आते हैं, ये जो है या आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फर्स्ट से लेकर थर्ड है यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ये आपकी राज्य सरकार की योजना है, जबकि इंदिरा गांधी आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना और ये राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। वो तो देखने से ही समझ में आएगा, जहां पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है वो सारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेन आंसर राइटिंग में काम आएगी। प्री में आजकल इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो और हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का सीरीज आज यहीं समाप्त होता है। ठीक, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।